अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, बहुत दिन बीमार रहने के बाद अल्लाह के अल्लाह ताला के फजल से आज फिर इस लायक हुए हैं कि ये वीडियो हम बनाएं। और इस वीडियो में इन सारे दिनों के बाद एक पहला वीडियो जो बन रहा है, इसमें मैं साइक्लोट्रॉन जो है ये डिस्कस कर रहा हूँ। हम साइक्लोट्रॉन इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें, लेकिन साइक्लोट्रॉन पढ़ने से पहले मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। यानी चार्ज्ड पार्टिकल जैसे प्रोटॉन्स हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स हो गए, हीलियम न्यूक्ली, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, या कुछ पॉजिटिव आयंस। जब हम कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, वो क्यों करते हैं हम उनको एक्सेलरेट? आपने कई बार न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, जिनमें हम कुछ न्यूक्लिये के अंदर कुछ पार्टिकल्स बम्बार्ड कर देते हैं। बिल्कुल जैसे हम फिशन कर देते हैं, फिशन में हम क्या देखते हैं कि हम यूरेनियम न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो दाग देते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो बम्बार्ड करने पड़ते हैं। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए करना पड़ता है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स के लिए करना पड़ता है कि चार्ज्ड पार्टिकल से हम कुछ एटम्स को या कुछ न्यूक्लिये को शूट करते रहते हैं, बम्बार्ड करते रहते हैं। और नतीजे में जो हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो इन एक्सपेरिमेंट से आते हैं, उनसे काफ़ी कुछ डिस्कवरीज होती हैं और बहुत सारे नए प्रिंसिपल्स जो है वो पता चलते हैं रिलेटेड टू दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो हम ये कहेंगे कि रिसर्च पर्पसेस के लिए, खास तौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स में और इसी तरह से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी साइक्लोट्रॉन्स की अहम ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जिससे हम चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं टू द डिजायर्ड लिमिट ऑफ वेलोसिटीज और स्पीड्स। यानी उनकी स्पीड्स को हम डिजायर्ड लिमिट तक जो है वो इंक्रीज करते हैं। जितना हमें ज़रूरत होता है उतनी वेलोसिटी तक हम उसको उतने उतनी वैल्यू तक की वेलोसिटी पर हम इसको इंक्रीज करते हैं, इनकी वेलोसिटी एक्सेलरेट करते हैं हाईएस्ट वैल्यू जो हमें चाहिए वहां तक। तो अब ये साइक्लोट्रॉन तो हो गया कि हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट सर्टन चार्ज्ड पार्टिकल्स विच वी नीड टू एक्सेलरेट फॉर सम एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, एस्पेशली इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ये एक चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने वाली डिवाइस है। लेकिन ये डिवाइस काम कैसे करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये एक लंबी चौड़ी इसकी एक दास्तां है। लेकिन मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, उसको देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है इस साइक्लोट्रॉन को पढ़ने से पहले, जो इससे पहले वाला वीडियो था। वो क्या है, उसमें हमने कहा था कि सर्क्यूलर मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, एक चार्ज्ड पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है, एंड अगर ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करें, तो फिर उसकी मोशन जो है वो मोशन सर्कुलर मोशन बन जाती है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि हमने उस वीडियो में इस तरह से कुछ पढ़ा था। कि अगर मान लीजिए इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ आपको बताया था। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग विथ सपोज बी, एंड ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है। ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान सकते हैं कि इस तरह से जाती हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और इतने में क्या हो गया कि एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पर आ गया और इसने मूव करना शुरू किया लाइक दिस। यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ से रही इस तरफ,
अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और ये पार्टिकल यहाँ बोर्ड के ऊपर से जा रहा है ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, सरफेस ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब जो इसका वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि जब कोई चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर एक फोर्स आ जाता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यू जानते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, वी वी द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज मूविंग, बी क्या है, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब ये थीटा यहाँ पर कितना है, वी यहाँ से है और बी यहाँ से है, तो वी और बी के दरमियान एंगल हो गया 90, साइन 90 हो गया 1, तो इसको मैं हटा देता हूँ, 1 अगर ये है तो ये बन जाएगा खाली क्यू वी बी। तो इसका मतलब इस चार्जेड पार्टिकल पर जो फोर्स है वो है क्यू वी बी। अब अगर इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी पता लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू वी, परपेंडिकुलर टू बी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। शॉर्ट में उस वीडियो में भी हमने समझाया कि जो इस चार्जेड पार्टिकल पर अब फोर्स होगा वो फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। अब वी तो इस तरफ है तो फोर्स मान लीजिए इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू वी एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब ये फोर्स इस तरफ होगा, इस तरफ ऐसे। तो जब इस तरफ फोर्स होगा तो मैं ये पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल जो है ये कभी भी सीधे नहीं जाएगा, बल्कि ये फोर्स एक सेंट्रिपिटल फोर्स इसके लिए बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि वो वीडियो देखना आपको जरूरी है, ये साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ये पेपर में आता है, ऑलमोस्ट किसी न किसी सीरीज में हम इसको देखते हैं। तो फिर जब आप देखते हैं कि ये फोर्स जो है, जब आप पिछले उस लेक्चर को भी देखेंगे तो ये फोर्स हमेशा ही होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और ये फोर्स जो है सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है, और ये चार्जेड पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन इख्तियार करता है। अब चार्जेड पार्टिकल यहाँ से जाना चाहता था, इस फोर्स की वजह से वो टिल्ट होके यहाँ पर पहुंच गया, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, मगर फोर्स फिर से इस तरफ था और लिहाजा वो यहाँ आ गया। अब चार्जेड पार्टिकल यहाँ जाना चाह रहा था, इसकी टेंडेंसी यहाँ से जाने की थी, मगर फोर्स फिर से टुवर्ड्स द सेंटर था इस तरफ, तो चार्जेड पार्टिकल जो है वो यहाँ से नहीं गया बल्कि टिल्ट होके यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पर फोर्स इस तरफ था और डायरेक्शन वरना यहाँ से थी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो लगातार इस पर जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, और उसकी वजह से जो है सर्क्यूलर मोशन इसका डिस्क्राइब हो जाता है। हमने फिर एक्सप्रेशंस डिराइव की कि भाई अगर ये चार्जेड पार्टिकल सर्क्यूलर मोशन, पहले तो हमने क्या सीख लिया कि जब आप एक चार्जेड पार्टिकल को मूव करवाते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, याद रहे, याद रखिए इसको, हमने पिछले वीडियो में, मैं जो यहां पर याद दिला रहा हूं, उस वीडियो में हमने ये समझा था कि जब हम किसी चार्जेड पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं और अगर वो मूव करने की टेंडेंसी रखता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो उसका मोशन होता है वो मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, व्हेन एवर ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ टेंडेंसी टू मूव दैट पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। हाउ? क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बनता है, वो फोर्स इस पार्टिकल के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स बनता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इसको हमेशा ही सर्कुलर मोशन में घुमाता है। तो यहां तक हमने ये देख लिया कि चार्ज पार्टिकल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो सकता है, और वो फोर्स होता है क्यू वी बी, अगर थीटा 90 हो तो फोर्स होगा क्यू वी बी, वरना क्यू वी बी साइन थीटा, और ये फोर्स जो होगा ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, लिहाजा ये फोर्स एक सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह ही काम करेगा और इस पार्टिकल को ये सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। ये तो एक सूरत थी। फिर हमने देखा कि अगर ये सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा, यानी टाइम कितना लग गया इसको,
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, उसके लिए हमने देखा कि टाइम पीरियड लगेगा 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस के बराबर। स्पीड कितनी है, मान लीजिए वी। तो ये टाइम पीरियड जो है, इसको वी को हमने, वी के लिए भी हमने ये एक्सप्रेशन निकालना हुआ है। फिर वी के लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। तो टाइम पीरियड का भी यहाँ एक्सप्रेशन वी अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन मिलता है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, और इसके टाइम पीरियड का एक और एक्सप्रेशन मिलता है 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। और इसकी वेलोसिटी जो होगी, मैं यहाँ पर स्पीड कहूँगा, इसकी स्पीड जो होगी, इसकी स्पीड होगी क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी क्यू बी, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अब आप कहेंगे कि ये एक्सप्रेशंस खाली तीन है, एक टाइम पीरियड के लिए, एक वेलोसिटी के लिए, एक फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गई, ये तो पिछले वीडियो में डेराइव की। तो आपको सिर्फ ये दो बातें यहाँ तक अभी तक आपने फिर से जान ली, कि ये दो बात, ये सारी दोनों ही बातें आप वीडियो पे पीछे वाला देखेंगे तो जान जाएंगे, मगर मैं यहाँ पर फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। क्या पहली बात क्या है, पहली बात ये ध्यान में रखना है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि एक पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए परपेंडिकुलर टू दैट फील्ड, तो उस पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है क्यू वी बी, वो फोर्स उस पार्टिकल के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है और वो उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाता है। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर सकता है जब इस तरह से उसको छोड़ दिया जाए। फिर हमने कहा कि जब वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल, वो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। आप यहां पर देख लीजिए, 2 पाई कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ दिस पार्टिकल, क्यू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टेंट रखी जाती हैं अक्सर, तो 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब एक चक्कर करने में जितना टाइम लगेगा, दूसरा चक्कर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, और तीसरा रेवोल्यूशन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। टाइम पीरियड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, यानी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गई न्यू, और वो न्यू बन गई क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अब ये फ्रीक्वेंसी भी कॉन्स्टेंट है, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स जो ये 1 सेकंड में करेगा वो कॉन्स्टेंट करेगा, वो न कभी किसी सेकंड में ज्यादा करेगा न कम करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कॉन्स्टेंट है। क्योंकि आप चार्ज पार्टिकल के चार्ज को चेंज नहीं करते, आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करते, आप इसकी मास को चेंज नहीं कर सकते, तो 2 पाई तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, स्पीड ऑफ द पार्टिकल फिर देख लीजिए, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, वो होगी क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। तो यहां आप देख रहे हैं क्यू तो कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कॉन्स्टेंट है, एम वो भी कॉन्स्टेंट है। सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस किसी तरीके से बढ़ा दिया जाए, यानी जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है अगर उसका रेडियस किसी तरीके से बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, उसकी स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज होगी, बिकॉज स्पीड यहाँ डिपेंड करती है आर पर, रेडियस ऑफ द पाथ। देखिए चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर आपने इधर प्रोटॉन भेज दिया है तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो तो वही रहेगा, अगर आपने एक हीलियम अल्फा पार्टिकल भेज दिया है मान लीजिए, तो उसका जो चार्ज है इक्वल टू 2 प्रोटॉन, वो तो वही रहेगा। तो क्यू तो चेंज नहीं होगा, एम चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आपने चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर किसी तरीके से इस सर्कुलर पाथ का, जैसे ये पार्टिकल घूम रहा है, अगर किसी तरीके से रेडियस इंक्रीज हो गया, तो रेडियस इंक्रीज हो गया तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसको एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है, छोटा सर्कल डिस्क्राइब करने में जो टाइम लगता है, इसको उतना ही टाइम लगना चाहिए बड़ा सर्कल डिस्क्राइब करने में भी। ये देखिए, इसका टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता, रेडियस ऑफ पाथ कुछ भी हो, इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, इट इज नॉट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द पाथ। मगर इसका मतलब है कि छोटे रेडियस का पाथ उसी टाइम में डिस्क्राइब होगा, बड़ा सर्कल उसी टाइम में डिस्क्राइब होगा, उससे बड़ा सर्कल उसी टाइम में डिस्क्राइब होगा। वो कैसे हो सकता है, जो बड़ा सर्कल है उसके लिए तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, उसकी तो सर्कमफेरेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जब सर्कल सर्कल का रेडियस ज्यादा है तब उसकी स्पीड भी बढ़ रही होगी, तब जाके उतना ही टाइम लगेगा जितने छोटे रेडियस वाले सर्कल में टाइम लगेगा। तो
इसका मतलब यह है कि जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है वो इंक्रीज हो जाएगी, बड़े सर्कल के लिए ज्यादा स्पीड होगी। ये देखिए, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस ऑफ द पाथ। पाथ का रेडियस ज्यादा होगा, इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा जितना छोटे या और किसी सर्कल के लिए लगता है। अगर छोटा सर्कल है तो उसका रेडियस क्या है, कम। उसकी स्पीड क्या होगी, उसमें स्पीड क्या होगी, कम। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा जितना बड़े सर्कल में लग रहा था, क्योंकि बड़े सर्कल में इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, लेकिन ये स्पीड भी ज्यादा रखता है। छोटे सर्कल में इसको कम सर्कमफेरेंस डिस्क्राइब करनी है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, लेकिन ये स्पीड भी कम ही रखता है। तो ये स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है रेडियस के हिसाब से। अगर रेडियस बढ़ गया तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ताकि इसको उतना ही टाइम लगे जितना पहले लग रहा था, पहले छोटे सर्कल में। अगर और आपने रेडियस बढ़ा दिया, इसकी स्पीड और बढ़ेगी, ताकि ये उतना ही टाइम फिर से ले ले जितना अंदर वाले सर्कल के लिए या छोटे वाले सर्कल के लिए लिया था। तो इसका मतलब, ये तीसरी बात हमने सीखी कि जब ये पार्टिकल, एक चार्जड पार्टिकल, पहली बात क्या थी फिर से बताइए, जब चार्जड पार्टिकल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है, तो वो चार्जड पार्टिकल जो है उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है, और वो फोर्स उसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है, और वो उस पार्टिकल की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता है और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है। मतलब ये हुआ, आपने एक मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, उस पर फोर्स एग्जर्ट हो गया और वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, फिर हर जब वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, उसका टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी स्पीड डिपेंड करेगी रेडियस पर। जितना बड़ा सर्कल होगा, रेडियस जिसका बड़ा होगा, तो उसकी स्पीड उसके लिए ज्यादा होगी। अगर कम छोटे रेडियस वाले सर्कल के लिए ये घूमेगा, तो उसकी स्पीड उस वक्त कम ही होगी। अब साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? साइक्लोट्रॉन का काम सिर्फ ये है कि वो इस चार्ज्ड पार्टिकल को स्पीड जो है उसकी बढ़ा दे। तो स्पीड कैसे बढ़ सकती है? रेडियस बढ़ाने से। तो फिर साइक्लोट्रॉन का काम क्या होना चाहिए? साइक्लोट्रॉन का काम होना चाहिए कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाए, तो इसका एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर बन गया, तो रेडियस बढ़ना चाहिए, तीसरे चक्कर में और रेडियस बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए, चौथे चक्कर में और रेडियस बढ़ना चाहिए। तो सर्कुलर, तो इसका मतलब ये साइक्लोट्रॉन का काम ये होना चाहिए कि एक तो वो इस पार्टिकल को घुमाए सर्कुलर पाथ में, और दूसरा वो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहे, और जब इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, इस पार्टिकल की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब जरा हम अपने डिजाइन को देखते हैं कि किस तरीके से हमने साइक्लोट्रॉन को बनाया होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, साइक्लोट्रॉन का जो अभी प्रिंसिपल है, वो अब उस प्रिंसिपल में हमारे पास दो पॉइंट्स है या दो पोस्टुलेट्स है। नंबर वन, फर्स्ट पोस्टुलेट इज, आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन अंडरलाइन करेंगे और हम लिखेंगे, मुझे जगह यहां पर कम है बोर्ड पर, तो इसलिए मैं आपसे ही कह रहा हूं कि मैं सिर्फ डिक्टेट करूंगा और आप नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन में, पहला, ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विच मूव्स द पार्टिकल इन ए सर्क्यूलर पाथ। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया आप, ठीक है ना? विच मूव्स द पार्टिकल इन ए सर, क्या लिखा हमने, ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विच मूव्स द पार्टिकल इन ए सर्क्यूलर पाथ। ये पहला पॉइंट है प्रिंसिपल में। दूसरा पॉइंट, यानी हमारा प्रिंसिपल दो पॉइंट्स में
मुश्तमिल है, बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। दूसरा, ए चार्ज्ड पार्टिकल, दूसरा पॉइंट, ए चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स? क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को डाल दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्यू इंटू ई। ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब एफ कितना होता है? क्यू इंटू ई, ठीक है ना। ए चार्ज पार्टिकल, दूसरा पॉइंट इसका साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल का, ए चार्ज चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसिस ए फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सलरेट इज द चार्ज। ये फोर्स क्या काम करता है? शाबाश, एक्सलरेट करता है चार्ज को, विच एक्सलरेट्स द चार्ज। ये चार्ज को एक्सलरेट करता है। ये हमने प्रिंसिपल जो है, इसके दो पॉइंट्स हमने यहां पर नोट कर लिए। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगा? चार्जेड पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वो उसको एक्सेलरेट करेगा। आप देखिए कैसे एक्सेलरेट करेगा। हमारे पास इस साइक्लोट्रॉन में दो डीज होती हैं। आप कोई मुझे कहेगा भाई ये डी क्या है, और मैं आपको एक फनी तरीके से समझा सकता हूं कि आप, एक मिनट, मुझे एक आइडिया आ गया, मैं यहां से कुछ लेके आता हूं। ये हमारे पास एक चौकोज का डिब्बा है, और आप देख लीजिए ये इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, इस तरह से। अगर हम इस डिब्बे को बीच में से काट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम इसको काट लेते हैं, और जिनका ये है वो मुझे नहीं बोलने चाहिए भाई काटा क्यों, ठीक है। अब हम इसको इसको बीच में, ये देख लीजिए, काट रहे हैं। अब इस हिस्से को देख लीजिए, इसकी शेप एक डी जैसी है, मान के चलते हैं, ठीक है। अगर ये यहां से गोलाई में होगा थोड़ा सा, तो ये आपको एक डी की तरह रखेगा, ठीक है ना। और इसका अंदर वाला जो स्पेस है हॉलो है, यही हमारा होता है ये डी वन, और यही होता है डी टू। मतलब हमने एक ऐसा डी रखा हुआ है इसी जैसा यहां से हमने रखा हुआ है। मैं यहां से इस दूसरे वाले को रख लेता हूं लाइक दिस, ठीक है ये, और बीच में एक गैप है, ये गैप आप देख रहे हैं। इसी गैप में हम पार्टिकल को डालते हैं, तो हमारे पास क्या है? टू डीज, ठीक है ना, जो हमें मेटल की बनी हुई है, ये इस तरह से गत्ते की नहीं। ये एक डी है, इसका नाम हमने रखा हुआ है डी वन, और चलिए मैं यहां से रखता हूं डी वन, यहां से डी टू। मुझे कुछ उल्टा लग रहा है, दिस इज डी वन, दिस इज डी टू, ठीक है। तो ये वाला वो गैप है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो मैं फिर से आपको दिखा सकता हूं, अगर आप देखना चाहें तो, ये आपका डी वन है, ये डी वन, दिस ऐसे रखा हुआ है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, और ये इस तरह से, दिस इज डी टू, ये डी टू है। इन दोनों को, डी वन एंड डी टू को, हमने इस तरह से रखा है। अब मैंने ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे, ठीक है ना। तो फिर आप देख रहे हैं मैं ये इस तरीके से इसकी शेप बनाई है, मगर आपको मानना है ये डी वन कैसे है, ये ऐसे है, और ये डी टू कैसे है, ये ऐसे है, और बीच में इनके क्या है, ये गैप है, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है। और यहां हमने एक मैग्नेट का नॉर्थ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है नॉर्थ पोल इस तरफ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही साउथ पोल इस तरफ। अब जरा बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी?
मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ होगा, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। ठीक है भाई, जरा फिर से इन डीज को उठाएं, ये डीज हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल आपका ऊपर है और साउथ पोल नीचे है, ठीक है ना? क्योंकि हम डिवाइस पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेहतर ये होता है हम चीजों का इस्तेमाल करें समझाने के लिए कि ये क्या है, वो चीज कैसी है। खाली डायग्राम ड्रॉ करने से ये चीजें समझ में ठीक से नहीं आएंगी, ठीक है ना? अब फिर हम क्या करते हैं कि हम यहां पर एक चार्जेड पार्टिकल इस गैप में डाल देते हैं, वो चार्जेड पार्टिकल जिसको आप एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। अगर आप प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं तो आप इस गैप में प्रोटॉन को डाल दीजिए, और अगर आप मान लीजिए अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं तो आप उधर अल्फा पार्टिकल को डाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अब फिर जब इस तरह से होता है क्या होगा कि, और उसके बाद क्या करते हैं हम इस डी को, ये जो डी वन है इसको हम, और इस डी टू को हम एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑसिलेटर क्या काम करता है? ऑसिलेटर अभी इसको पॉजिटिव मान लीजिए बना देगा, और कुछ गिवन टाइम के बाद यहां से ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। उस गिवन टाइम के बाद यहां से नेगेटिव बनेगा ये वाला डी, और ये वाला डी पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि पोलैरिटी चेंज करता रहेगा ये ऑसिलेटर। जैसे अगर आपने किसी बैटरी के पॉजिटिव के साथ डी वन को कनेक्ट किया तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट हो गया, डी टू को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया तो डी टू नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अभी ये पॉजिटिव बने ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव बने ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव बने ये नेगेटिव, तो आपको ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट करना होगा, जहां पर हमने दिखाया है एच एफ ओ मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर एक एसी सोर्स के साथ, इसको ऑसिलेटर के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। आप इस तरह से मान के चलिए, क्योंकि अभी आपने एसी नहीं पढ़ा है, कि इसका ये मतलब होगा कि ये अभी पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव, अगले पल में ये नेगेटिव बनेगा फिर ये पॉजिटिव, इसकी इन दोनों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एच एफ ओ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आई बात समझ में? ऑसिलेटर की मदद से इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कभी ये वाला पॉजिटिव वो नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस तरह से। कब वो पॉजिटिव बनेगा कब नेगेटिव बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने क्या किया है, आपने शाबाश एक प्रोटॉन को इधर आपने इस गैप में डाल दिया, मान लीजिए एक पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल को, प्रोटॉन है या कुछ और है, उसका चार्ज है क्यू, ठीक है ना? इसको आपने इस गैप में डाल दिया है, और उस वक्त मान लीजिए जब आपने इस गैप में इसको डाल दिया तो क्या होगा कि ये डी जो है ये डी नेगेटिव है और ये डी उस वक्त पॉजिटिव है। पोलैरिटी इस ऑसिलेटर ने इस तरह से बनाई है कि इस डी को नेगेटिव पर और इस डी टू को नेगेटिव पॉजिटिव पर रखा है। ये समझ लीजिए कि उस वक्त ये डी वन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है ऑसिलेटर के, और डी टू ऑसिलेटर के पॉजिटिव के साथ इस वक्त कनेक्टेड है, और आपका पार्टिकल यहाँ पर है। जब गैप पे आपका पार्टिकल है और ये वाली डी नेगेटिव है ये वाली डी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इस पार्टिकल का क्या होगा, शाबाश ये चार्जेड पार्टिकल कहाँ जाएगा? कुदरती तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। भाई बीच में जो गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना अब, ठीक है? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है देख लीजिए, ये जो है ये सारा पॉजिटिव है, मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव 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 यहाँ से, और ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और बीच का स्पेस जो है ये वाला स्पेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, हाँ E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। तो ये चार्ज जो है, ये Q जो है, ये कितना फोर्स अपने आप पर फील करेगा, ये अपने आप पर अब फोर्स फील करेगा कितना, शाबाश F इज इक्वल टू Q इंटू E। किस पर फोर्स आ गया, इस चार्जेड पार्टिकल पर। उस फोर्स की वजह से, अगर ये चार्जेड पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये किधर जाएगा, इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इस फोर्स की वजह से कहाँ जाएगा बताइए, ये जाएगा इनसाइड, ये अंदर जाएगा इस डी के अंदर।
क्योंकि इसका नेगेटिव वहीं से फील्ड जो है ये, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पर जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स, वो इसको अंदर ले जा रहा है और एक्सेलरेट करवा रहा है अंदर की तरफ। लेकिन अंदर जैसे ये पहुंच रहा, मान लीजिए ये डी है, डी इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल पहुंच गया। जैसे ही अंदर पहुंच गया तो इसने क्या पाया, इसके अंदर इसने पाया देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्यों? क्योंकि हॉलो सरफेस है और हॉलो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। आई बात समझ में? तो जब आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। यानी बाहर से तो डी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पर है, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जब कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब गैप में था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बन गया, ये फोर्स, उसकी वजह से कहाँ गया, ये अंदर, एक्सेलरेट इनसाइड, ठीक है ना। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये फोर्स खत्म, मगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो आप जानते हैं जब वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाता है और सर्कुलर मोशन इसको दे देता है। मतलब इसने बाहर पाया था मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब ना ये गैप में था, लेकिन जब ये अंदर घुस गया, घुसा ये अंदर बिकॉज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो गया। मगर अंदर घुसने के बाद, अंदर जाने के बाद इसने पाया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस पर, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसके ऊपर अंदर जाते जाने के बाद इस पर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स इस पर आएगा। कौन सा फोर्स? क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 होगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये फोर्स इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो ये पार्टिकल जो है, ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में घुमा, पहले अंदर गया, अंदर सर्कुलर पाथ में घुमा, अंदर किसने ले लिया, इस वाले फोर्स ने, और शाबाश, अंदर जाने के बाद इसको घुमाया किसने सर्कुलर पाथ में, इस वाले फोर्स ने, क्यू वी बी ने। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने दो पॉइंट्स में पास्ट इस प्रिंसिपल को लिखा था। यानी एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का है जो सर्कुलर पाथ में घुमाता है पार्टिकल को, और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है जो एक्सेलरेट करवाता है पार्टिकल को। अब जैसे ही इसका ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया, तो ये आ गया वापस बाहर इस गैप में। अब देखिए टाइमिंग क्या है, कि जैसे ही वापस ये आ गया, जो टाइम इसको यहां तक आने में लगा, वही टाइम पीरियड होता है इस ऑसिलेटर का। यानी उसी टाइम में ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव में। अब ये डी नेगेटिव के साथ नहीं, बल्कि इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, अब इसको ये पॉजिटिव के साथ माना जाएगा, और इस डी टू की पोलैरिटी पॉजिटिव नहीं रहेगी, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि ये ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है, किसी बैटरी के साथ नहीं। अगर आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता, तो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ ही कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है। ऑसिलेटर क्या करता है, जिसको पहले नेगेटिव रखता है उसी को बाद में पॉजिटिव बनाता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जब तक क्या आप ऑसिलेटर्स पढ़े। तो यहाँ पर भी ये पहले ये डी क्या थी, नेगेटिव, ये डी क्या थी, पॉजिटिव, कुछ टाइम के बाद ये डी क्या बनेगी, पॉजिटिव, ये क्या बनेगी, नेगेटिव, फिर क्या बनेगी, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, और इसी तरह से ये कारवां चलेगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव थी, ये डी, इस पर जब पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या हो गया कि ये घुस गया अंदर। जब ये घुस गया अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको सर्कुलर पाथ में घुमाया और ये बाहर आ गया। जैसे बाहर आ गया, पोलैरिटी चेंज हो गई। पोलैरिटी चेंज मतलब, शाबाश, ये क्या था, ये नेगेटिव था ये डी, अब ये बन गया पॉजिटिव। ये वाला डी क्या था, ये पॉजिटिव था, अब क्या बन गया, अब ये नेगेटिव बन गया। अब जबकि ये डी नेगेटिव है, ये डी टू है, ये डी टू नेगेटिव है, जब ये डी टू नेगेटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल कहां पहुंच गया है, इधर, अब क्या होगा जरा बताइए। शाबाश, ये खुद तो पॉजिटिव है, तो ये इस नेगेटिव डी में घुसेगा, तो इसको कौन घुसाएगा अंदर, ये वाला फोर्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, तो ये पार्टिकल इसीलिए इस तरफ गया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये चार्ज पार्टिकल जब बाहर आ गया,
तो ये इस तरफ जाएगा, जब इस तरफ जाएगा अब ये इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा इस फोर्स की वजह से, एक्सेलरेट हो गया व्हाइल गोइंग इनसाइड डी टू, डी टू में के अंदर घुसने पर ये एक्सेलरेट हो गया, ये यहां था गैप में, अंदर घुस गया एक्सेलरेट होते हुए, जब अंदर घुसा तो ये फोर्स खत्म भाई, क्यों? क्योंकि ये डी भी हॉलो है और अंदर ये पाएगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस पर, तो जब इसको अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पर नहीं मिलेगा तो कोई फोर्स भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज्ड पार्टिकल पर अंदर कोई फोर्स फील नहीं होगा, मतलब ये वाला फोर्स फील नहीं होगा, मगर अंदर जब ये घुस गया है तो ये वाला फोर्स तो वहां पर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है, वो मैग्नेटिक फील्ड अभी इसको फिर से सर्कुलर पाथ में घुमाएगा लाइक दिस, और जैसे ही ये बाहर आ जाएगा इधर पहुंचेगा फिर से पोलैरिटी चेंज, अब ये वाला डी नेगेटिव फिर से बनेगा और ये वाला पॉजिटिव बनेगा, और लिहाजा ये इस पर फिर फोर्स एग्जर्ट होगा इतना जो इसको अंदर ले जाएगा एक्सेलरेट करवाएगा, और इसका रेडियस जो है इस तरीके से बढ़ जाएगा, जब ये एक्सेलरेट हो गया तो रेडियस बढ़ गया तो अंदर फिर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस तरफ से मिलेगा और वो इसको फिर से घुमाएगा, तो नतीजा क्या हो गया नटशेल में, नटशेल में नतीजा ये हो गया, ये इसको देख लीजिए, पहले ये पार्टिकल इतने पाथ में घूम रहा था, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो बढ़ रहा है, ये रेडियस कौन चीज बढ़ा रही है, ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसको अंदर की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, फिर इसमें एक्सेलरेट करवा रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो इस फोर्स की वजह से रेडियस बढ़ रहा है और इस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ बन रहा है, मगर जब रेडियस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही है, स्पीड वी, वी स्पीड, ठीक है, यहां वेलोसिटी नहीं कहेंगे यहां स्पीड कहेंगे, तो आर जो है रेडियस बढ़ गया तो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी क्योंकि इसको टाइम सेम रखना है ना, सेम टाइम में बाहर आना है, अगर छोटा आर्क है तो इस किसी टाइम में अगर यहाँ गैप में आना है, बड़े आर्क को भी उसी टाइम में डिस्क्राइब करके इसमें आ जाना है, इस गैप में आ जाना है, उससे बड़ा आर्क होगा उसी टाइम में उसको डिस्क्राइब करना है, गैप में वापस आ जाना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब टाइम पीरियड इसका कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब इसका जो इस तरीके से होता है इसका कि ये पहले रेडियस था, ये मान लीजिए मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये पहले रेडियस था छोटा, फिर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, इस तरीके से ये घूमेगा, और जैसे ही ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, जब इसका उतना ज्यादा रेडियस हो कि अब वो स्पीड आ गई जो स्पीड आप चाह रहे थे, तो आप इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को बंद करें, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को बंद करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, मान लीजिए उस वक्त इसने ये वाला सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया था, बड़ा सर्कुलर पाथ यहां तक आ गया था, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दिया तो हो क्या गया, ये फोर्स खत्म हो गया और सेंट्रिपिटल फोर्स खत्म हो गया और ये टेंजेंशियली बाहर जाएगा, जैसे ही ये टेंजेंशियली बाहर जाएगा आप यहाँ टारगेट रख सकते हैं, ये उस टारगेट को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, तो क्या करना है आपको बताइए, आपने इन डीज के गैप में पार्टिकल को डालना है, ठीक है ना, तो वो पार्टिकल किसी एक डी में घुसेगा और एक चक्कर मारेगा, सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा, बाहर आएगा दूसरी गैप में, इसी गैप में वापस आएगा और दूसरी डी में घुसेगा, उधर भी एक सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करेगा जिसका रेडियस अब ज्यादा होगा, फिर बाहर आएगा, फिर पहली वाली डी में घुसेगा और फिर बड़ा सर्कल बनाएगा जिसका और रेडियस ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके रेडिये छोटे रेडिये, ये देखिए छोटे से बड़ा जब इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और किसी पॉइंट पर जब वो स्पीड बन जाए जो आप चाहते हैं तो आप इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को ऑफ करेंगे, तो उस वक्त ये फोर्स खत्म हो जाएगा, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स खत्म हो गया, तो ये टेंजेंशियली बाहर आएगा और ये टारगेट को हिट करेगा, आया बात समझ में, तो इस तरीके से साइक्लोट्रॉन जो है काम करता है, मगर यहां पर हम एक और बात आपको बताएं कि साइक्लोट्रॉन की कुछ साइक्लोट्रॉन की कुछ ये मैं कहूंगा लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन तो ये है कि चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम एक्सेलरेट नहीं करवाते हैं इससे साइक्लोट्रॉन से, क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जब आप उसको एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसकी मास बहुत कम है, इसकी साइक्लोट्रॉन मास कम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की मास कम है,
हाई स्पीड जब उसकी बनेगी, तो जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो उसकी मास जो है, मास उसका चेंज हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेशन, देखिए वो उसका मास कम है, वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। तो जब बहुत ज्यादा एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इस रिलेशन के मुताबिक उसकी स्पीड जो है वो जब कंपेरेबल हो जाएगी टू द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि एक्सेलरेट ज्यादा होगा तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, अगर वो स्पीड बढ़ गई और कंपेरेबल हो गई टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी जो रेस्ट मास होगी, तो जो वो मूव करेगा, जो उसकी मोशन में मास होगी, वो रेस्ट मास के बराबर नहीं रहेगी, उसकी मास चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो नतीजा ये होता है, यानी रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू जब वो मास मोशन में हो डिवाइड बाई वी वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आपने पहले भी देखा होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक छोटी मास वाला पार्टिकल साइक्लोट्रॉन की मदद से एक्सेलरेट होगा, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाए और किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाए, वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए और साइक्लो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो चेंज हो जाए। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि पार्टिकल की मास चेंज हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेट हो और हमारी डिजायर्ड स्पीड पर निकले और हिट करे टारगेट पर, जिस टारगेट को हम चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हो गया कि भाई आप न्यूट्रल पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं, उनको आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन की मदद से, यानी आप न्यूट्रॉन को तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, उसके लिए कोई चार्ज, ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जब उसका क्यू चार्ज 0 होगा तो उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, और वैसे मैग्नेटिक फील्ड में भी उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो आप साइक्लोट्रॉन में एक न्यूट्रॉन वगैरह या किसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सको करा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ये चंद एक लिमिटेशंस हो सकती हैं साइक्लोट्रॉन्स की, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही अच्छा पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।